आपके चेहरे की मुस्कान बिजली आने के बाद जीवन में आए बदलाव की बातें ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग पैदा होते ही उजाला देखते आए हैं, जिन्होंने कभी अंधेरा देखा नहीं है, उनको ये पता रात को बिजली होनी घर में या गांव में इसका मतलब क्या होता है, जिन्होंने कभी अंधेरे में जिंदगी गुजारी नहीं उनको पता नहीं चलता है। हमारे यहां उपनिषदों में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आज मुझे देश भर के उन लोगों से मिलने का अवसर मिला है जिन्होंने अपने जीवन में अंधकार से प्रकाश का सफर तय करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सालों के अंधेरे के बाद एक तरह उस गांव का जीवन अब रोशन हुआ है। हम सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो, जिससे हमारी स्वयं की, हमारे परिवार की, हमारे समाज और राष्ट्र की तरक्की का रास्ता तैयार हो। लेकिन अगर आपके 24 घंटे में से करीब 10 से 12 घंटे हमेशा हमेशा के लिए निकल जाते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं? क्या बचे हुए 12-14 घंटों में आप उतने ही कार्य कर सकेंगे जितने 24 घंटों में करते हैं? आपके मन में सवाल उठेगा कि मोदी जी क्या पूछ रहे हैं, और ऐसा किस प्रकार संभव है कि किसी के पास एक दिन में 24 घंटे की जगह मात्र 12-14 घंटे का समय हो? देशवासियों, आपको ये भले सच न लगता हो, लेकिन हमारे देश के सुदूर पिछड़े इलाकों में हजारों गांव में रहने वाले लाखों परिवारों ने दशकों तक इसे जिया है। ऐसे गांव जहां आजादी के इतने वर्ष बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी, और वहां रहने वाले लोगों का जीवन सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच सिमटकर रह गया था। सूरज की रोशनी ही उनके काम करने के घंटे तय करती थी। फिर चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, खाना पकाना हो, खाना खिलाना हो, या और छोटे मोटे घर के काम हो। देश को आजाद हुए कितने दशक बीत गए, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब हमारी सरकार में आए तब देश के 18,000 से अधिक गांव ऐसे थे जहां बिजली थी ही नहीं। बड़ी हैरानी होती है ये सोचकर कि आखिर ऐसी कौन सी बाधा थी जिसे पार करके पिछली सरकारें अंधियारे में डूबे देश के हजारों गांवों तक बिजली नहीं पहुंचा सकी। पिछली सरकारों ने बिजली पहुंचाने के वादे तो बहुत किए, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया, उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। 2005 यानी करीब करीब आज से 13 साल पहले उस वक्त तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने 2009 तक देश के हर गांव में बिजली पहुंचा देंगे वादा किया था। और इतना ही, कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष ने तो इससे आगे एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 2009 तक हर घर में बिजली पहुंचाने की बात कही थी। अच्छा होता जो अपने आप को बड़े जागरूक और जनहितकारी मानने वाले लोग होते हैं, उन्होंने 2009 में गांवों में जाकर के पूछताछ की होती, रिपोर्ट तैयार किए होते, सिविल सोसाइटी की बात कही होती, तो हो सकता है 2009 नहीं तो 10 में हो जाता, 11 में हो जाता। लेकिन उस समय वादे पूरे नहीं हुए, इसको कोई गंभीर लेता ही नहीं था। और आज
हम जब वादों को गंभीर लेते हैं तो आज ये खोजने का प्रयास होता है कि अरे ढूंढो यार इसमें कमी कहां है। मैं मानता हूं यही लोकतंत्र की ताकत है। हम लोग अच्छा करने का लगातार प्रयास करें और जहां कमी रह जाती है उसको उजागर करके उसको ठीक करने का प्रयास करें। जब हम सब मिलकर के काम करते हैं तो अच्छे परिणाम भी निकलते हैं। 15 अगस्त 2015 को मैंने लाल किले के प्राचीर से कहा था और हमने लक्ष्य तय किया कि हम 1000 दिन के भीतर देश के हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे। सरकार के बिना किसी देरी के इस दिशा में काम करना शुरू किया। इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, देश के हर हिस्से में जो भी गांव बिजली सुविधा से वंचित थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत वहां बिजली पहुंचाने के कार्य में हम जुट गए। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया। इस योजना में गांवों बस्तियों के इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने और किसानों को बिजली सप्लाई के लिए अलग फीडर की व्यवस्था को भी आरंभ कर दिया गया। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि देश के सभी गांव और उससे जुड़ी बस्तियां, चाहे छोटी हो या बड़ी, उन्हें इस योजना के तहत एक के बाद एक शामिल करते जाएं और उजाला का विस्तार होता चला जाए। कोई भी गांव या बस्ती, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी भी कम हो, बिजली सुविधा से वो वंचित न रहे, इस लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं। जहां पर ग्रिड से जोड़ना संभव न हो उन गांवों पर और उन बस्तियों में ऑफ ग्रिड माध्यम से बिजली सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है। 28 अप्रैल 2018 यह भारत की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा। मणिपुर का लाइसांग गांव पावर ग्रिड से जुड़ने वाला देश का आखिरी गांव था। यह दिन हर देशवासी के लिए गर्व का क्षण था और मुझे खुशी है कि आज आखिर में जहां बिजली पहुंची उस लाइसांग गांव के लोगों से ही मैं बातचीत शुरू करना चाहता हूं। सबसे पहले उन्हीं को सुनते हैं उनका क्या कहना है। ये मणिपुर के सेनापति जिले में है। आइए लाइसांग गांव के सभी नागरिकों नमस्ते। देखिए बिजली तो आई तो मैं भी आपके गांव में पहुंच गया। हाँ बताइए। मेरा नाम है डीएन कुकी, लेसांग गांव का और कांकुपी डिस्ट्रिक्ट मणिपुर का रहने वाला हूँ सर। सबसे पहला हमारा प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी लेसांग गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर आपके आदेश मुताबिक जो हमारा गांव जो है छोटा सा एक गांव है, पहाड़ के अंदर में है, कोई साधन नहीं है सर, अंधेरा में रहता था, लेकिन आपने लास्ट लेसांग गांव अनाउंसमेंट जब किया है वहाँ से हमारे गवर्नमेंट ने भी बहुत ध्यान दिया है हमारे गांव के लिए, खास करके मुख्यमंत्री जी ने बहुत ध्यान दिया सर। तो 28 अप्रैल 2018 उसी में बिजली हमारे गांव में आ चुकी है। उसके बाद जो है बिजली की तरफ से हमारे गांव का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% ओके है। इसके साथ साथ हर घर में कनेक्शन मिला, हमारा गांव जितना घर वाला है लोग फायदा मिला, उनको फिर खुश है। कभी सपना भी नहीं सोचा था कभी एक दिन में हमारा गांव में बिजली आएगा, लेकिन आपके राज में सर आपने पहुंचा दिया, तो लोग बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक इतना खुश है। पहले तो गांव में टीवी होगा ही नहीं कुकी जी जी नहीं
कोई कोई टीवी नहीं सर। अभी टीवी आ गया लाल क्या? लाल हाँ सर, गांव में टीवी आ गया? अभी टीवी आ गया सर, आ गया। बिजली आने के बाद तुरंत लोगों ने खरीद कर लिया। हाँ सर, फिर तो गांव वालों ने इस बार ये फुटबॉल का मैच भी देखा होगा। हाँ सर, देखा सर, क्योंकि मणिपुर के लोग तो बड़े फुटबॉल के प्रेमी हैं। हाँ सर, क्या आपने भी वर्ल्ड कप देखा था इस बार? हाँ देखा सर। तो गांव में मैंने सुना कि बहुत रात भर आप लोग नाचते रहे, उत्सव मनाते रहे जब बिजली आई, और मैंने उसका फोटो भी देखा था एक, बहुत खुशी हुई सबको। हाँ सब खुश है सर। हाँ इतनी खुश है सर, कह नहीं सकता सर, बच्चों को खुश है। चलिए मैं आपको बधाई देता हूँ, आइए हम अरुणाचल प्रदेश चलते हैं। नमस्ते, तवांग में तो ठंडी होगी जी सर। हाँ बताइए। मेरा नाम है डेमा सर। नमस्ते डेमा जी। नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ बताइए। पहले तो इससे पहले तो अंधेरा था सर, अभी तो लाइट आ के सब कुछ सुविधा हो गया सर। लाइट आ गया और आ गया सर। हाँ उसको टीवी भी देखते हैं सर। अब हम लोग यहाँ तो ठंडी है सर, हीटर जला रहे हैं, और लकड़ी का बजट है सर, केरोसिन का बजट है, और कैंडल भी जलाना नहीं पड़ते, सकी जलाना नहीं पड़ते सर, बहुत कुछ सुविधा हो गया। और लाइट आने के बाद बच्चे का पढ़ाई भी अच्छा हो रहा है सर, और हम महिलाओं का खाना वाना पकाना भी बहुत अच्छा होता है सर। और लाइट आने के बाद स्वेटर बुनने रात 11 बजे 12 बजे तक तो स्वेटर बुन के बैठ के उस बैठते हैं सर, बहुत सुविधा हो गया सर। पूरे गांव वाले खुश हैं? खुश है सर। सब जरा हाथ ऊपर करो, मैं देखूं सब खुश है क्या। खुश है सर, खुश है। आइए हम त्रिपुरा चलते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नीलंकर, त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट डलाई ब्लॉक सामुनो में हरदयाल पारा का रहने वाला हो। पहले हम लोग का गांव में कोई बिजली नहीं है सर, अभी हम लोग का गांव में बिजली हो गया और अंधेरा से हम लोग पूरा कितनी, उजर कितनी हो गया। आबादी है आपके गांव के, कितने लोग हैं गांव में? गांव में 56 सर। यानी जनसंख्या कितनी है गांव की? जनसंख्या तो सर 135 है। अच्छा हाँ सर। हाँ आपके यहाँ और अभी कोई बात करना चाहेगा? हाँ सर, कौन बोलेगा? नमस्ते, आप बैठिए बेटा, बैठिए आप। हाँ अरे मुखे सिदन बते रिया अरे पराखे दंगामा परा गंगानगर आरडी ब्लॉक। नमस्कार सर, मेरा नाम सिदन बतिरियांग, मैं गंगानगर ब्लॉक का दंगामा पारा में रहने वाली हूँ। करंट फाइव मुखे 2016 वो अब समय के चुन कहा मखे जो तो मैया 2017 वो है चुन जो तो करंट माइस रहा। हमारे गांव में 2016 में बिजली पहुंचे थे लेकिन सभी घरों में नहीं, लेकिन 2017 में सबके घरों में पहुंच गया। कारण था मुने पोरे वो खेचे ने चरा इखना जो तो पोरा सुना खेने कहां के मैं। बिजली पहुंचने के बाद हम लोगों के बच्चे में बहुत सुधार हुआ, जैसे कि पढ़ाई करने में। कारण था पाई मुन पोरे वो चुं फेन रोफो कोई एक जन पाई कोई एक पोरे बार पाई ले है फेन नी तोला वो चुं तोला है। बिजली आने के बाद हम लोग कुछ परिवार फैन खरीदा और उसके हवा का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा त्रिपुरा में तो ठंडा रहता है, बहुत गर्म रहता है। क्लमो त्रिपुरा वो क्लमो गर्मी है सर। चुं कारण क्री फो के स्कंग कारण क्री फो के चुं हरवो बैखलाई नि फो क्री लायो त्रे चुं सारै नि माइमै सने फो दुइता आरैता समय सोंये चुं सलाम चुं माइचामा तो। हम लोग बिजली पहुंचने से पहले बहुत घर से निकलने के लिए डर लगते थे, लेकिन अभी
हम लोगों को बहुत सुविधा हुआ, जैसे कि हम लोग घूमने के लिए भी थोड़ा बहुत रात को निकल जाते थे, और अभी वो बिजली पहुंचने के बाद हम लोग रात को खाना बना लेती हूँ, और पहले तो हम लोग 2 बजे से ही शुरू करना पड़ता है खाना बनाने के लिए, क्योंकि अंधेरा रहता है तब। तब के हरने छत्ता असुविधा क्रोई, और अभी हम लोग 7 बजे खाना बना लेती हूँ, क्योंकि अभी तो बिजली है, कोई अंधेरा का डर नहीं है। चीनी पारा वक है 84 परिवार, हमारे गांव में 84 फैमिली है। जुन जो तो ना कारण कनेक्शन माई पे है वे था के खक सहा सार नुना, हम बहुत खुश है, हमारे गांव में 84 परिवार कोई कनेक्शन मिल गया, हम लोग आभारी हैं आपके। चलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, त्रिपुरा के सब भाइयों बहनों को। आइए हम असम चलते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा नाम इंदिरा बसुमतारी है, मैं आसाम की रहने वाला हूँ और ढेकियाजुली घोघरा कोसारी गांव से आई हूँ। सर हम बहुत खुश है, क्योंकि हम लोग की गांव में तो करंट नहीं था, 2016 में आया, फिर भी पूरा 100% सब लोगों को नहीं मिला था, जो बचा हुआ 70% मिल गया था, 30% जो बसा हुआ था अभी सबको मिल गया, कम्प्लीट हो गया। हम लोग की गांव से हमें पहले बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था जेरोक्स करने के लिए, कपड़ा प्रेस करवाने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि नमो ऐप के जरिए केंद्रीय परियोजना के लाभार्थियों से मुखातिब हो रहे थे, और इस दौरान उन्होंने पूर्व की मनमोहन सरकार पर कटाक्ष भी कहा। कहा कि 2019 में वादा किया गया था कि हर घर तक बिजली पहुंचा दी जाएगी, लेकिन वो वादा पूरा नहीं कर पाई पूर्व की मनमोहन सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी दावा किया है कि 18,452 गांव में 28 अप्रैल तक गांव में बिजली पहुंचा दी गई है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।